हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे मंथ अक्टूबर ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। यहाँ पर क्रिस्टल ऑप्शन से इंट्यूटिवली आप एक क्रिस्टल पिक कर सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ तो होगा ही अगर आपको इंट्यूटिवली चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर वन, दिस इज लैब्राडोराइट क्रिस्टल बॉल। ओके, ग्रुप नंबर वन, दिस इज योर ऑप्शन। ग्रुप नंबर टू, सिट्रीन हार्ट। ओके, ग्रुप नंबर टू। ग्रुप नंबर थ्री, डार्मेशियन क्रिस्टल एग। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मेरी रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर वन। देखते हैं मंथ अक्टूबर ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आपकी बर्थ डिटेल्स, बर्थ डेट, ओके, एंड लैब्राडोराइट क्रिस्टल बॉल आपने चूज़ की है। स्टोन ऑफ मैजिक बोला जाता है इसको, मैजिक मिराकल। देखते हैं क्या मिराकल, क्या मैजिक आ रही है आपकी मंथ अक्टूबर में। ग्रुप नंबर वन, ओके, फर्स्ट टू मैसेजेस आपके लिए, प्रेगनेंसी एंड बर्थ। दिस ए कार्ड ऑफ प्रेगनेंसी एंड बर्थ। ओके, वाओ। एंड सेकंड मैसेज, स्टार्स एंड टाइमिंग, नोट नंबर 26। इस कार्ड में एक स्टोरी है जहाँ पर गॉडेस नूट जो है वो अपने हस्बैंड को छोड़कर पृथ्वी लोक में आते हैं इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ को करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होती है कि उन्हें लौटने में बहुत समय लग जाता है। मतलब पृथ्वी में कुछ ऐसे काम उनको दिया जाता है जो बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होती है, तो इस कार्ड में एक डीले बताया गया है। डिवाइन इंटरवेंशन की बात भी इस कार्ड में है। एंड लुक दिस, दिस इज अ मून एंड दिस इज सन हियर। एंड पूरी बॉडी जो है ये जैसे मेड ऑफ स्टार्स है, जैसे स्टार्स से बनी हुई है। तो एक टाइमिंग की बात हो रही है, कुछ हो सकते हैं प्रेगनेंसी बर्थ को लेकर डीले हो रही थी, या फिर कुछ चीज़ें हैं आप पर्टिकुलरली आप कुछ बिजनेस जॉब रिगार्डिंग देख रहे, रिलेशनशिप रिगार्डिंग देख रहे, वो डीले हो रही है। इतना तो समझ आ रही है कि डीले का एक मसला ग्रुप नंबर वन आपकी लाइफ में, बट बर्थ होने जा रही, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें, प्रेगनेंसी एंड बर्थ। लेट्स सी, देखते हैं और क्या एनर्जी है मंथ अक्टूबर में। थैंक यू। थोड़ी टीलिप से देखते हैं। ग्रुप नंबर वन, ग्रुप नंबर वन, मंथ अक्टूबर, बहुत स्लो विक्ट्री है, जैसे स्लोली कुछ चीज़ें आ रही है आपकी लाइफ में। ग्रुप नंबर वन देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर वन के लिए मंथ अक्टूबर, क्या चेंजेस आ रही हैं। थैंक यू, क्या चेंजेस आ रही हैं। बहुत स्टक एनर्जी है, कार्ड्स ही नहीं आ रही है टीलिप में, बहुत कार्ड्स यू ही चले आते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर वन, मंथ अक्टूबर। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या स्ट्रेट मैसेज यहाँ पर आपके लिए हैं। मुझे यहाँ पर फर्स्ट जो कार्ड दिखाई दे रही है, फैमिली मेंबर्स के बीच कोई पर्टिकुलर इशू, एक इशू क्रिएट हो रही है जहाँ पर आपकी ओपिनियन एंड उनकी ओपिनियन मैच नहीं हो रही है। एक ही टॉपिक पर, मसला पर बात हो रही है, बट आप जो ओपिनियन दे रही है सामने वाला उसको जैसे कह रहा है, नकार रहा है कि ये होगा नहीं, तुम जो कह रही हो तुम्हारी थॉट्स को ठीक नज़र नहीं आ रही है, तो ये आइडिया ठीक नहीं है, कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बट आपकी लाइफ में चेंजेस आ रही है, चेंजेस इन योर लाइफ। अब देखते हैं क्या फील की बात बता रही है। गुड एडवाइस फ्रॉम ए वाइज पर्सन। आउल स्प्रिट जब कोई रीडिंग में बार बार आए, या फिर किसी मंथ की रीडिंग में, वीकली रीडिंग में आए, याद रखिए एक एनर्जी है, स्प्रिट है, गाइड है, ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में हो सकते हैं, एंसेस्टर स्प्रिट गाइड, जो कहीं ना कहीं आपको वो गाइडेंस देंगे कि तुमको ये करना है। सो ये कोई रीडर हो, कोई स्प्रिट गाइड हो सकती है आपके पास, वो गाइडेंस पहुंच ही जाएंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक एस्ट्रल हाउस से कार्ड आई है, मास्टर एनर्जी, दिस इज द मैरिज। वाह, नेक्स्ट विद दिस लायन, टाइम टू एक्ट।
ओके, दिस इज की सक्सेसफुल ओवरकम टू योर प्रॉब्लम्स। मैं आपको बोल रही थी ना, यहाँ पर कोई आपके थॉट्स को नकार रही है कि वो मान नहीं रहा है, बट जो भी प्रॉब्लम मसला डिले क्रिएट हो रही है इस मंथ में, आप वो मास्टर की आपके हाथ में है। ग्रुप नंबर वन टॉटोइज, मैं आपको बोल रही थी ना, लाइक स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। ईगल ट्राइम्फ ओवर ट्रबल्स, माई गॉड। ग्रुप नंबर वन, ये टू टाइम्स आई है सक्सेसफुली ओवरकम करना किसी प्रॉब्लम को, एंड ट्राइम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टकल। मतलब वो ये मंथ तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप नंबर वन, टू टाइम्स सिग्निफिकेंट मैसेज आई है आपके लिए, वो है सक्सेस ओवर, मतलब पर्टिकुलरली कोई इशू जो चले आ रही है वो मसला सॉल्व हो रही है मंथ अक्टूबर में। बात से मैरिज का ही नहीं है, कोलाबोरेशन हो सकती है दो, क्योंकि यहाँ पर कुछ डिस्कॉर्ड दिखाई दे रही है, समझौता हो रही है इस मंथ में। ओहो, दिस इज बुके। ओके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। ओके, नेक्स्ट विद दिस पेदर। पेदर आने का मतलब है गाइडेंस आना, संकेत आना, वो कुछ साइन सिंक्रोनिसिटी। एंड विद दिस, माय गॉड, रिकॉग्निशन रिवॉर्ड फॉर मेरिट। आपको कोई दायित्व दिया जाए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, आप उस जगह पर काबिले तारीफ, मतलब आपको उस, मतलब आप ऐसे करेंगे उस प्रोजेक्ट को, उस कुछ प्रेजेंटेशन आप ऐसे लेकर आएंगे, ऐसे उसको प्रेजेंट करेंगे कि लोग हैरान हो जाएंगे। देखिए बुके आई है, ये यहाँ पर मैरिज बुके दोनों मतलब एक साथ में आई है। सो आइदर आपके घर में इनविटेशन है, कोई इंपॉर्टेंट कोई इवेंट के लिए इनविटेशन, जहाँ पर गैदरिंग्स है, यू विल गो देयर, और पूरी पार्टी फंक्शन सेरेमनी कुछ हो रही है यहाँ पर। और डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स के लिए अपनी एनर्जी है, बिकॉज लाइन पैशनेट एनर्जी का एनर्जी आ रही है, मतलब कोई बहुत पैशनेट है। पास्ट इशू रिजॉल्व होने जा रहे हैं आपके लिए, जो मेजर थीम आ रही है ग्रुप नंबर वन। ओके, लेट मी चेक ब्लेसिंग्स ओवरऑल एनर्जी। ग्रुप नंबर वन मंथ अक्टूबर, थैंक यू। ग्रुप नंबर वन के लिए मंथ अक्टूबर, वन टाइम मोर। हम इंडिविजुअली देखेंगे, इन में चार्म्स देखेंगे, रून सिंबल। ओके, व्हाट्स योर एनर्जी, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक में है एंजल ऑफ सोलमेट। यहाँ पर देखिए एक लेडी जो है, नंबर फोर एंजल ऑफ चैलेंजेस, एक लेडी हर वो स्टेयर केसेस में, डजेंट मैटर मतलब कोई भी ह्यूमन बींग्स की फिगर में है, वो हर स्टेयर केसेस में एक चैलेंज उसको दिखाई दे रही है या फिर चुनौती मिल रही है। एंड एंजल खड़े हैं सामने कि तुम आगे आओ, तुम सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हो। एंड ये साइंस सिंक्रोनिसिटी की, मुझे तो बोलने में भी दिक्कत हो रही है, सिंक्रोनिसिटी मतलब ये समझने में भी आपको, मतलब मुझे काफ़ी जोर लगी ये सिंक्रोनिसिटी बोलने में, बहुत जोर लगा, मतलब इस वर्ड को क्लियरली प्रोनाउंस करने में। तो ये काफ़ी जोर लगाना किसी चीज़ में, वो फाइनल पुश लगाना, देन चैलेंज जो है ओवरकम कर जाएंगे आप उसको। सो हार मत मानिए। ग्रुप नंबर वन, बहुत कुछ चल रही है आपकी लाइफ में। एंड लुक एट दिस नाइट स्काई हियर, एक पर्टिकुलर एंसेस्टर पितृपक्ष गया, यहाँ पर देवी पक्ष शुरू हुई। देखिए नाइट स्काई से मुझे हमेशा है ना, मतलब आइदर हेवन से कोई आपको मैसेज सेंड करे, उनका ब्लेसिंग्स आपको मिले, पितृ का ब्लेसिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। एंड देखिए यहाँ पर सोलमेट का भी एनर्जी आ रही है, एंजल ऑफ क्लैरिटी, पर्टिकुलर किसी पर्सन से यहाँ पर एंजल मदद करी है यूनियन में एंड क्लैरिटी देने में। सो यहाँ पर एक कंक्लूशन इन्फॉर्मेशन आना, एंड आप डिसाइड कर पाएंगे कि अच्छा मुझे अब नेक्स्ट डे करना है। तो ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है कि आपकी लाइफ में अब क्लैरिटी आ रही है, एटलीस्ट मंथ अक्टूबर में उस चैलेंजिंग सिचुएशन का पार कर जाएंगे। आपको पता चलेगा क्यों ये चैलेंज आई थी, क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, क्यों दोनों के बीच वो मिसकम्युनिकेशन हुई, कोई क्लैरिटी दे रहा है आपको, मिल रही है। ओके, देखते हैं, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर वन अक्टूबर, वन टाइम मून, थैंक यू। ओके, ग्रुप नंबर वन, आप मनी वगैरह जहाँ पर, मतलब मनी मनी से रिलेटेड कुछ डील हो रही है,
कुछ पासवर्ड देना डालना पड़ रही है, कुछ यू नो पिन नंबर डालना पड़ रही है, उस जगह पर आपको बोला जा रहा है हड़बड़ी ना करें, केयरफुल रहे। आपको किसी ने कहा कि बैंक में जाकर मनी जमा कर कराओ, कोई से जस्ट फॉर घर की बुजुर्ग आपको बता रहे, आजकल वो होता नहीं है, बहुत कम हो चुकी, बट अगर जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, सो इस जगह पर आपको बहुत सतर्क रहना है। आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कैरी कर रही हैं, ग्रुप नंबर वन, ये कोई डरावनी चीज़ नहीं है। देखिए यहाँ पर डिसीट का कार्ड आई है, बिट्रेल एंड मैनिपुलेशन, राइट। सो हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जस्टिस कार्ड आया, इमीडिएट कार्ड जस्टिस है, हार्मनी है, डिसिप्लिन है। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल किसी ने सच में आपके साथ ऐसा पास्ट में करा है, तो आपको इस मंथ में जस्टिस मिल रही है, या फिर उस व्यक्ति से क्लैरिटी मिल रही है कि उसने ऐसा क्या करा। हो सकता है कुछ गलतफहमी हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इस मंथ में। फर्स्ट वीक भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, ग्रुप नंबर वन। कुछ इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, स्क्रॉल हाथ में है, डॉक्यूमेंट से जुड़े कुछ काम काज यहाँ पर होगा, कुछ साइन वगैरह आप करने जा रहे हैं, आपको थोड़ा पढ़कर साइन करना है, ग्रुप नंबर वन। मैं अगेन बता रही हूँ, शनिदेव का ब्लेसिंग्स यहाँ पर नज़र आ रही है, मुझे बहुत हॉरस की एनर्जी भी आई न्यूट कार्ड को देखकर, क्योंकि यहाँ पर डील स्लो विक्ट्री दिखा रही है, बट लुक एट दिस द कम्युनिटी हियर, पर्सनल एंड प्रोफेशनल कनेक्शन, यहाँ पर एक कम्युनिटी के साथ योग मतलब संजोग दिखाई दे रही है, कम्युनिटी ज्वाइन करना, बहुत सारे पुराने यू नो कोई ओल्ड फ्रेंड की कांटेक्ट में आना, कम्युनिटी बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे, आपकी फैमिली कम्युनिटी साथ में प्रोफेशनल कम्युनिटी। बट मुझे लग रही है कुछ अननोन कुछ लोगों से आप इस मंथ में मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो सकते, कुछ साइन वगैरह हो रही है, तो एक मतलब इस जगह पर आप थोड़ी सतर्क रहिए, बाकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, टैरो से देखते हैं। थैंक यू। या फिर पास्ट में अगर सच में किसी ने ऐसा कुछ करा है, तो उस व्यक्ति से आपको क्लैरिटी मिलने जा रही है। टैरो से देखते हैं, आपकी फर्स्ट देखते हैं करियर, वर्क, हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, फोर कार्ड। लव लाइफ अलग अलग से देखेंगे, मंथ अक्टूबर, ग्रुप नंबर वन, करियर, वर्क एंड हेल्थ स्पिरिचुअलिटी। कैन यू प्लीज गिव मी फोर कार्ड वन टाइम। 11-11 नंबर दिखाई दे मुझे, सोलमेट का भी एनर्जी है यहाँ पर। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, ओवरऑल अगर एनर्जी देखा जाए, दिस इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ग्रोथ का एनर्जी आ रही है, प्रोसेस का एनर्जी आ रही है। सामने यहाँ पर एक नन बैठी हुई है जो पूजा पाठ कर रही है, पर्टिकुलरली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रही है, बैकग्राउंड में बड़ी कोई व्यक्ति का आशीर्वाद का हाथ है। सो यहाँ पर देखिए किसी से मदद मिलना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप कोई कंपनी में काम कर रही है, आपको छुट्टी चाहिए इंपॉर्टेंट कोई चीज़ के लिए, एंड उस जगह पर किसी ने मदद कर दी, या फिर अथॉरिटी आपकी फेवर में यू नो वो छुट्टी आपको दे दे। यहाँ पर इस टाइप की इंसिडेंट होगा, मतलब आपको चाहिए पहले नहीं मिलता था, इस मंथ में वो कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ हो जाएगा। ग्रुप नंबर वन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ग्रोथ एंड प्रोसेस का कार्ड है। देखते हैं आपके कैरियर, वर्क, फील्ड के लिए क्या एनर्जी आ रही है। ग्रुप नंबर वन, इस मंथ में बहुत खर्चा है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ पेज ऑफ शॉर्ट्स का एनर्जी आ रही है, रैंडम खर्चा है। मैं अगेन एक चीज़ का बता रही हूँ, इवन मंथ जब एंड हो रही है, उस एंड में, क्योंकि यहाँ पर मनी से ज़्यादा आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनल किसी चीज़ के लिए ब्लेसिंग ज़्यादा है, एंड आप किसी को खरीद कर दे रही है कुछ चीज़ें, वो शायद वो उस चीज़ को अच्छी तरह से ना ले, मतलब उसको पसंद नहीं आए, आप और एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदेंगे, इस टाइप की एक टेंडेंसी यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे पहले आपने किसी के लिए गिफ्ट्स खरीदा, उसको पसंद नहीं आई, तो आपने दुगना पैसा खर्चा कर और एक गिफ्ट्स खरीदा, तो मनी बहुत मतलब ह्यूज मनी यहाँ पर फ्लो होता हुआ जा रही है, मतलब चले जा रही है मनी इस मंथ में, मतलब सेविंग्स बहुत कम नज़र आ रही है। दूसरी, पेज ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है विद दिस फाइव ऑफ पेंटिकल्स। करियर, वर्क फील्ड में मुझे थोड़ी मतलब खासकर स्टूडेंट के लिए मुझे नज़र आ रही है, बहुत डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पर। ओके, एंड आप लैक को बहुत ज़्यादा देख रही है, तो इस मंथ में इस चीज़ से बचे, टाइम का प्रॉपरली इस्तेमाल कीजिए, बाकी चीज़ें ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेज ऑफ शॉर्ट्स एक डिग्री कोर्स के बाद बोला जाता है, कोई नई चीज़ सीखने के बाद बोला जाता है, बट आप बहुत हताश दिख रही है उस नई चीज़ को सीखने में, आपको अनसर्टेनिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो इस एनर्जी को चेंज करें, ग्रुप नंबर वन। ओके,
आपकी हेल्थ की अगर बात करें, दिस इज़ फायर एलिमेंट आ रही है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बॉडी में वाटर एलिमेंट को बैलेंस करें, बहुत इम्पल्सिव एनर्जी है एंड हड़बड़ी के चक्कर में किसी चीज़ को नज़र हटे दुर्घटना घटे, तो बार बार यहाँ पर डिसीट की भी एनर्जी है। सो ग्रुप नंबर वन, स्थिरता बहुत ज़रूरी है लाइक टॉर्टोइस, अगर आपका गोल फिक्स्ड है, क्योंकि इस मंथ का जो मेन थीम है, यू विल ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स। इवन नाइट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब एक यात्रा भी बोला जाता है। जस्ट एंड पीछे देखें, यहाँ पर बहुत सारी बुल वगैरह दिखाई दे रही है। इस मंथ में आप शायद कुछ बॉडी शॉडी बनाने के बारे में सोचेंगे, डाइट चार्ट के बारे में सोचेंगे, बहुत सारी दिखावापन की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। सो यहाँ पर मेजर कोई हेल्थ इशू दिखाई नहीं दे रही, ज़्यादा शो ऑफ ही एनर्जी थोड़ी ज़्यादा नज़र आए। एंड यहाँ पर अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, सो जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर थ्री ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है ग्रुप नंबर वन। सो थ्री ऑफ शॉर्ट्स हीलिंग की बात कहते हैं, आप किसी एक ऐसी जगह पर जाएंगे एंड आप रो पड़ेंगे उस जगह पर, एंड खासकर गुरु जन की फोर्थ हाउस में होती है, या फिर फोर्थ हाउस लॉर्ड काफ़ी अच्छी स्थिति में है, गुरु के एस्पेक्ट में है, एक चीज़ दिखने को मिलती है। आप जब किसी धर्म स्थान पर जाते हैं, सेक्रेट प्लेस पर, एंड वो मूर्ति आपको दिखाई देते हैं आकार, आप उनमें जागृत उस गॉड को देख लेते हैं, बहुत सारे लोग रोना शुरू करते हैं। शायद मेरे व्यूअर्स ग्रुप नंबर वन में इस टाइप की इवेंट, इस टाइप की सिचुएशन, जैसे आप रोने लगेंगे चेहरा देखकर, उस मूर्ति को देखकर, कि ओ माय गॉड, जैसे साक्षात वो जैसे आपसे बात कर रही है, वो मूर्ति जैसे आपसे बात कर रही है। ये सबको समझ नहीं आएंगे, आई फुल अंडरस्टैंड, बट ये होगा। इस मतलब किसी को देख, उस मूर्ति में जैसे आपको लगेगा जान आ गई है, एक ऐसी अनुभूति, एंड यू फील लाइक हील हो गई हूँ मैं, ऐसा एक एक्सपीरियंस इस मंथ में होंगे। एंड आपकी जो लॉस्ट एनर्जी थी उस जगह पर, उस मूर्ति को देखकर, एंड ये मैं नहीं कह रही कि आप चार पांच मूर्ति को देखेंगे एंड ये हो जाएगा, पर्टिकुलर एक ही जगह पर ये घटना होगा एंड मंथ अक्टूबर में, एंड एक ही, वो आप उसको भूल नहीं पाएंगे, उस मूर्ति के चेहरे को, जैसे उस फिगर को बार बार आप जैसे इवन आप देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे सपने में भी वो आ रही है। इस टाइप के एक इवेंट, मैं जानती हूँ सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे, बट ये एनर्जी में आई। ओके, थोड़ी देखते हैं आपकी लव लाइफ। थैंक यू। फर्स्ट देखते हैं ग्रुप नंबर वन, ओवरऑल क्या मंथ अक्टूबर की रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है। वन टाइम थैंक यू। लव लाइफ एंड रिलेशनशिप, वाओ। ग्रुप नंबर वन, एक पर्सन है जो आप उनको समझाने की जैसे बहुत कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर भी देखिए जस्टिस कार्ड आई है, आपकी ऑलरेडी जस्टिस की एनर्जी मौजूद है। देखिए लव लाइफ में जस्टिस, कोई इनोशेंट पर्सन, जैसे वो बहुत ज़्यादा दुनियादारी की समझ नहीं है, ऐसे पर्सन की ओर से फूल लाइक न्यू स्टार्ट, कंटेंशन, एप्लॉजी, किसी चीज़ के लिए आगे बढ़कर चीज़ों को ठीक करने की एक चाहत, एक डिज़ायर। सो एक पर्सन यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए एक वन पर्सन जैसे भी बांसुरी हाथ में है, ब्लाइंड फोल्डेड है, एंड यहाँ पर अनदर एक फीमेल है जो इसको गाइड कर रही है। सो यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है जैसे मदर चाइल्ड का एक जो इक्वेशन होती है, इस टाइप की। वन पर्सन इज़ वेरी मेच्योर, अनदर पर्सन इज़ वेरी मेच्योर, और एज डिफरेंस है, ऐसे सिचुएशन यहाँ पर थोड़ी दिखाई दे रही है, बट लुक दिस कार्ड इज़ ग्रेस। सो कुछ व्यूअर्स के लिए, जैसे एक लेडी है, जैसे वो सबकॉन्शियसली, जैसे वो थोड़ी स्लीपी मोड दिखाई दे रही है, एंड एक एंजल उसको पकड़ी हुई है, जैसे एंजल चाहते हैं आपकी लाइफ में वो ट्रू लव आए, एंड आप जैसे सपने में उसको विजिट करेंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए ग्रुप नंबर वन, इस मंथ में एक एपोलॉजी है, एक कन्फेशन है, एक न्यू स्टार्ट है, एंड ग्रेस की एनर्जी आ रही है। मतलब आपकी पर्सनैलिटी दूसरे लोग, ऑपोजिट सेक्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। हम कहते हैं ना, बहुत ग्रेसफुल, बहुत चार्मिंग नज़र आ रही है। इवन आपकी ड्रेसअप करने की तरीका, बहुत लाइट कलर का इस्तेमाल करना, हेयर स्टाइल हो सकती है, बहुत डिफरेंट नज़र आ रही है। जहाँ पर इनोशंस है, दिखावापन नहीं है, आप ऐसा नहीं कि आप किसी को अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ कर रही है। लव लाइफ की पर्टिकुलरली मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, जहाँ पर आपकी, आप देखिए यहाँ पर जैसे काम कर रही है, एंड दूसरी ओर से कोई एनर्जी है जो आप पे
आपको देखकर आपको काम कर रही है, आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट की मोड में नहीं है, बट आप ध्यान से काम किए जा रही हो, एक निष्ठा डेडिकेशन है उसको लेकर वो अप्रिशिएट कर रही है। बट इस मंथ में जस्टिस दिखाई दे रही है, जो आप डिज़र्व करते हैं यू विल गेट ग्रुप नंबर वन। मैं थोड़ी यहाँ पर सिंगल के लिए देखूँगी जो एकदम सिंगल है। ओके वन टाइम मूव सिंगल के लिए फोर ऑफ स्टोन्स, सिंगल यहाँ पर बहुत एंड एट ऑफ शॉर्ट्स। देखिए स्ट्रेट एक ब्रूटल ट्रूथ अगर बताए ग्रुप नंबर वन, सिंगल के लिए ये मंथ खुद पर यहाँ पर फोको पॉइंट डालने की है एंड पास के कुछ हार्ट ब्रेक को हील करने की है। फोर ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत रैशनल, बहुत लॉजिकल एनर्जी है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स मड़े मिटे नहीं जा रहे किसी को पाने के लिए, बिकॉज एट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है। एट ऑफ शॉर्ट्स भी एक स्टक सिचुएशन से बाहर आने की मतलब एक कोशिश दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल जो सिंगल है, एकदम से कोई नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, उनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ये मंथ एक ड्राई खुद पर काम करना, खुद को किस तरह से निखार कर लेकर आना है, पर्सनालिटी पर काम करना, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। बट जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी बातचीत चल रहा है उनके लिए मैरिज एंड रिकॉन्सिलेशन है। देखते हैं यहाँ पर क्या आपके लिए चार्म्स आ रही है। ओके थैंक यू सो मच एंड एक गाइडेंस कार्ड देखेंगे नंबर वन गाइडेंस वन टाइम See the good in everything. Okay, this is a day for optimism only. No matter what comes your way, your task is to see only the favorable attributes in it. Your goal to practice the power of positive thinking. So, इस मंथ में आपके लिए हर चीज़ में अच्छा चीज़ को निकाल कर देखूँ, अच्छे बुरे सब कुछ हो सकते हैं, बट अच्छे चीज़ जो है ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा थाट्स है वैसा ही आप मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं। देखते हैं क्या यहाँ पर आ रही हैं चांस नंबर वन। ओके लेट्स सी यहाँ पर रिंग की एनर्जी आई। ओके रिंग फिर से आई है, यहाँ पर मैरिज रिंग है। सो डेफिनेटली यहाँ पर रिलेशनशिप एंड मैरिज रिगार्डिंग एक ब्लेसिंग्स है। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्रिस्टल वगैरह खरीदेंगे। ओके एंड यस ऑक्स प्रेट मतलब बॉडी शॉडी बनाना, मैं आपको बोल रही थी अपनी पावर को रिक्लेम करना। बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी के रूप में लोग आपको देखेंगे इस मंथ में। एंड ये जो एनर्जी है ये व्रत रखने की एक रून सिंबल है, मतलब आप किसी चीज़ के लिए व्रत रख रही है, संकल्प करें कि ये दिन मैं उपवास रखूँगी, इस टाइप की इंसिडेंट यहाँ पर होगी। एंड एक डांसिंग डॉल आ रही है, डांसिंग डॉल मतलब सेलिब्रेशन वगैरह दिखाई दे रही है घर में। स्पोर्ट्स की एनर्जी आ रही है। ओके कोई हो सकती है कोई इंपॉर्टेंट किसी स्पोर्ट्स की जगह पर आप दोस्त मिलकर जाए देखने जाए। मार्स की एनर्जी आ रही है, अगेन ऑक्स एंड मार्स मैस्कुलन पावर दिखाई दे रही है, बहुत कॉन्फिडेंट बोल करेजियस एनर्जी है, मतलब मायूसी की जगह नहीं है, अपसेट नहीं है। देखिए यहाँ पर पर्ल की एनर्जी आई है, पर्ल मीन्स अगेन कुछ स्टोन कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर खरीदारी होगी, बट इट्स अ मून एनर्जी, मून पावर, मार्स ऑलरेडी मून मार्स कंजंक्शन, लक्ष्मी योग दिखाई दे रही है। बट मैं अगेन एक चीज़ आपको बताई कि मनी फ्लो बहुत ज़्यादा होगी, लिक्विड कैश मनी टिकेगा नहीं। ओके एंड सन की एनर्जी आ रही है, सन अगेन मैस्कुलन एनर्जी आ रही है, मुझे बहुत मैस्कुलन पावर आ रही है इस मंथ में आपके लिए। एंड दिस इज़ आउल हियर, अगेन आउल आने का मतलब है विस्टम आना। आप कोई वैदिक कोई मंत्र का जाप वगैरह करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। एंड यहाँ पर वाओ ये एक्चुअली फिश है, जेली फिश है। सो फिश आने का मतलब है आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आ रही है, पाइसिस की एनर्जी, गुरु का ब्लेसिंग्स आ रही है। एंड जो आपको बोल रहे थे मिस्टिकल एक्सपीरियंस होगी। एंड मून एंड स्टार की एनर्जी है, मून स्टार एक साथ में दिखाई दे, भाग्यदाय के कारण भी बोला जाता है, मतलब स्पिरिट गाइड की ब्लेसिंग्स है। लुक एट दिस ब्लेस्ड हैंड, हमसा हैंड बोला जाता है इसको। हमसा हैंड आने का मतलब ही है कि आशीर्वाद मिल रही है आपको, आपका व्रत आपका संकल्प जो है जिस चीज़ के लिए है वो आपको मिलेंगे। एंड ये एक्चुअली घंटा है, बेल है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। और कई जगह पर आप देखेंगे किसी धर्म की स्थान की जगह पर कोई घंटी बांधना, किसी की मन्नत होती है, कोई मन्नत पूरी होना, किसी की या फिर मन्नत पूरी हो मतलब हो चुकी है, आप कुछ चीज़ें दे रही है ऑलरेडी, मतलब आपने होता ना कि आप
किसी कोई पायल देता है गॉडेस को, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं. सो वो देने की एनर्जी, जैसे आप खरीदेंगे एंड यू नो गॉड या फिर गॉडेस को वो देंगे, बट इम्पॉर्टेंट एक डेट यहाँ पर आ रही है, इम्पॉर्टेंट डेट फिक्स हो गई किसी चीज़ के लिए. ओके, अनाउंसमेंट की एनर्जी है ग्रुप नंबर वन. थैंक यू सो मच. मैं बोलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. वेलकम ग्रुप नंबर टू. देखते हैं मंथ अक्टूबर ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपके लिए. ओके, दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, इस डेट में से हैं एंड अपने यहाँ पर सिट्रीन हार्ट चूज़ किए हैं. ओके, देखते हैं फर्स्ट मैसेजेस क्या है आपके लिए मंथ अक्टूबर. फर्स्ट दिस इज स्टार ब्लेसिंग्स, साइडियन स्टार. इम्पॉर्टेंट कोई इवेंट की बात हो रही है, स्टार ब्लेसिंग्स. ओके, देखते हैं नेक्स्ट विद दिस गाइड एंड प्रोटेक्टर अनुबिस. ओके, जैकल हेडेड गॉड बोला जाता है इसको. अनुबिस के लिए एक यहाँ पर एक स्टोरी है इस कार्ड में. अनुबिस की जन्म होती है एक इल्लीगल रिलेशनशिप की वजह से, ठीक है, इलिसिट रिलेशनशिप. अब यहाँ पर एक मैसेज है इस कार्ड में, आपके घर में हो सकती है या फिर आपकी लाइफ में कोई इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हुई है. ओके, एंड बिकॉज स्टार ब्लेसिंग्स उसकी करस्पॉन्डिंग कार्ड यहाँ पर मौजूद है, तो वो मुक्ति मिलना. अगर कोई इस टाइप की इंसिडेंट में आप ट्रैप्ड थे बहुत लंबी टाइम से, या फिर कोई आपकी घर में कोई क्लोज मेंबर ट्रैप्ड थे, कोई इस टाइप की इल्लीगल कोई सिचुएशन, कोई कोर्ट कचहरी भी हो सकते हैं, बिकॉज अनुबिस से वो एनर्जी भी आते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं ये, बिकॉज वो प्रोटेक्शन दे रही है आपको उस सिचुएशन से. सो इस टाइप की सिचुएशन में आपके लिए यहाँ पर विक्ट्री दिखाई दे रही है, स्टार ब्लेसिंग्स. ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर टू आपके लिए मंथ अक्टूबर क्या स्ट्रेट मैसेज है यहाँ पर ग्रुप नंबर टू के लिए. थैंक यू. ओके, ग्रुप नंबर टू अक्टूबर. थैंक यू सो मच. ओके, लेट्स सी, देखते हैं मंथ अक्टूबर ग्रुप नंबर टू. गुरु का ब्लेसिंग से आपके ऊपर यहाँ पर, गुरु का गोचर, गुरु का ट्रांजिशन यहाँ पर आपके लिए फेवर में होगा ग्रुप नंबर टू, बिकॉज सिट्रीन जुपिटर का एनर्जी है, जुपिटर की ब्लेसिंग्स है यहाँ पर ग्रुप नंबर टू मंथ अक्टूबर. मंथ अक्टूबर ग्रुप नंबर टू, माय गुडनेस, दिस अ लॉट. थैंक यू. ग्रुप नंबर टू, थैंक यू. समोन इज़ वेरी स्टेबल. ओके, इस कार्ड से ही शुरू करते हैं. मंथ नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है आपके लिए, एक इम्पॉर्टेंट मंथ. देखिए मैं डेफिनेटली रीडिंग करें अक्टूबर की, बट अक्टूबर नवंबर कनेक्ट आ रही है. कोई अक्टूबर में कोई चीज़ों का सीट, वो नवंबर में वो रिजल्ट मिलना मंथ कार्ड में है. मैं एक बात शुरू में बोल रही थी कि यहाँ पर एक इलिसिट रिलेशनशिप, ब्रोकन ब्रिज, कुछ ब्रिज बनते बनते टूट गई है. जैसे कोई ऐसे कोई इंसिडेंट, आइदर वो रिकॉन्सिलेशन, वो ब्रिज फिर से बनाया जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ मसला आपकी सॉल्व होने जा रही है, क्योंकि इस कार्ड में एक प्रॉब्लम की बात है. यहाँ पर ब्रोकन ब्रिज आई है. मंथ नवंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. एंड यस, म्यूल, समवन इज़ एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज. ओके, देखते हैं, कोई स्टबर्न पीपल की बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है, या dissatisfaction with life, broken bridge and cracked cup. Okay, देखते हैं क्यों energy आ रही है ऐसे. Dog getting together with friends. Okay, happiness आ रही है, क्योंकि ये जैसे tarot में major arcana होती है, astral house पूरी month की major energy को दिखा रही, वो है happiness. कुछ टूटी हुई चीज़ ठीक हो रही है ग्रुप नंबर टू आपकी लाइफ में. ब्रोकन ब्रिज, क्रैक्ड कप, जो डिससेटिस्फेक्शन थी, बिकॉज हैप्पीनेस आ रही है. मंथ नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड फॉर्चून बेटल, गुड फॉर्चून. ओके, मेजर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आप ओवरकम कर रही है, माउंटेन. एंड लुक दिस, विक्ट्री इन सम एंडेवर. मैं यही बोल रही थी आपको ग्रुप नंबर टू, कि कोई इम्पॉर्टेंट कोई इंसिडेंट जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है, ब्रोकन ब्रिज लेकर आया है, क्रैक्ड कप लेकर आया, डिससेटिस्फेक्शन लेकर आया आपकी लाइफ में, उस जगह पर विक्ट्री आ रही है आपके लिए. लुक एट दिस, इज अ विक्ट्री सिंबल एंड मेजर एनर्जी में हैप्पीनेस है. लेट मी चेक, देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स है ग्रुप नंबर टू आपके लिए मंथ अक्टूबर में. थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर टू. थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर टू.
मंथ अक्टूबर मेजर क्या चेंज आ रही है अपने बच्चों के लाइफ में मंथ अक्टूबर में। ओके लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग एंड विद दिस लुक एंजेला पास्ट इशू। मैं बोल रही थी ना कोई पास्ट इशू जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन या फिर बहुत कुछ इलीगल कुछ ऐसा क्रिएट करा है जो सही नहीं था वो चीज़ें ठीक हो रही हैं। ओके दिस इज़ एंजल ऑफ बिलीफ इफ़ यू ट्रस्ट। अगर आप बिलीव करते हैं देखिए यहाँ पर मतलब कहते हैं ना कि अगर आप बिलीव करते हैं तो वो होगी वो ट्रस्ट है आपको। एंजल ऑफ बिलीफ की एनर्जी आ रही है। एंजल ऑफ ग्रैटिट्यूड नंबर 13 जितना है जितना भी आपको मिली है उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना। मुझे ना बहुत ज़्यादा जैसे इन दिनों आप बहुत थैंक यू भी बोलते हैं। ओके थैंक यू यूनिवर्स एंड एंजल ऑफ लव। सो आपके लिए लव का ब्लेसिंग्स आ रही है ग्रुप नंबर 2। मैं इसीलिए बोल रही थी कि कुछ डिससेटिस्फैक्शन आपको अपनी लाइफ को लेकर थी तो मंथ अक्टूबर में रिलेशनशिप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है लव लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है बट ये एनर्जी में आपको आना बहुत ज़रूरी है ग्रैटिट्यूड एंड बिलीफ। ओके देखते हैं ग्रुप नंबर 2 मंथ अक्टूबर वन टाइम मूव। जैसे पुराने फ्रेंड्स से मिल रही हैं डॉग्स जो है पुरानी ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स से मिल रही है मंथ अक्टूबर में। समवन इज मिसिंग समथिंग मिसिंग। ओके देखते हैं यहाँ पर जो कार्ड आई है वो है इंटीमेसी एंड फर्टिलिटी इशू। शायद ये आपके अंदर थोड़ी है वो इशू। ओके देखते हैं कुछ फियर्स है आपको ग्रुप नंबर 2। ओके एडिक्शन रिएक्टिव बिहेवियर्स रिक्लेमिंग योर पावर। वन पर्सन जो यहाँ पर पूरी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है एंड मतलब पूरी तरह से एक लैविश लाइफ एंड वो एडिक्शन बन चुकी है अटैचमेंट मनी पैसा इस टाइप की चीज़ों को लेकर कि मुझे बहुत सारी मनी चाहिए मुझे बहुत सारी ज्वेलरी चाहिए मुझे डायमंड चाहिए गोल्ड चाहिए तो ये वन काइंड ऑफ अटैचमेंट एंड ये भी कहीं ना कहीं एक बीमारी भी है डिजीज़ भी है कि आप इस चीज़ से मुक्त नहीं हो पा रही है जीवन सिंपल नहीं हो पा रही है बिकॉज इतनी ज़्यादा चाहत है डिज़ायर है एंड इसीलिए मैं देखिए ये कार्ड से कोर्ट कचहरी लीगल इलीगल की बात नहीं हो रही है कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं हैं कुछ चीज़ें हैं कुछ चाहत है कुछ डिज़ायर है ज़रूरत से ज़्यादा जो सही नहीं है उस पर काम करना है रिक्लेमिंग योर पावर। वॉरियर करेज टेकिंग ऑन चैलेंजेस मतलब नंबर 8 7 8 बैक टू बैक आई है असेंडिंग ऑर्डर में नंबर है मतलब किसी चीज़ कोई सिचुएशन को अपनी ग्रिप में लेना आप दूसरों के ऊपर नहीं छोड़ रही है वो चीज़ें कि तुम कर लो मेरी होकर मतलब आप कोई आपके लिए प्रॉक्सी नहीं दे रहा है आप खुद उस मैदान पर उतर कर चीज़ों को सॉल्व कर रही है ग्रुप नंबर 2। एंड विद दिस केयर टेकर पुटिंग अदर फर्स्ट। यहाँ पर देखिए जैसे नर्स है एक बच्चा दिखाई दे रही है सर्विस फील्ड में आना सर्विस प्रोवाइड करना दूसरों की मदद करना थोड़ी मतलब जितना आपसे हो सकते देखिए जेनरोसिटी का मतलब सिर्फ डोनेशन देना नहीं होता है आप बर्गेनिंग नहीं करते हैं आप किसी रिक्शा वाले के साथ सब्जी वाले के साथ और बर्गेनिंग नहीं करते एक दो रुपए के लिए वो भी जेनरोसिटी है। केयर टेकर की एनर्जी आ रही है सो थोड़ी अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें एंड अगर आपको किसी की ज़रूरत है तो मदद के हाथ ज़रूर बढ़ाएं एंड ये लग रही है ये आप करेंगे केयर टेकर। ओके देखते हैं बट एक मदर चाइल्ड का एक एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ओके देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है टैरो से। करियर वर्क एंड हेल्थ स्पिरिचुअलिटी ग्रुप नंबर 2 मंथ अक्टूबर में। ओके वन टाइम माउंटेन एक चैलेंज की बात बता रही है टेकिंग ऑन चैलेंज आप चैलेंज को एक्सेप्ट कर रही है यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 कंफर्टेबल जोन को ब्रेक करना। ओके देखते हैं आपकी करियर वर्क हेल्थ स्पिरिचुअलिटी बॉटम ऑफ द डेक एक मैसेज तो यहाँ पर आ रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर एडिक्शन है मनी रिगार्डिंग
आप किसी चीज़ के लिए अपने आप को सफिशिएंट नहीं मानते हैं और गुड इनफ नहीं मानते हैं, जैसे आपके पास फाइनेंशियल कुछ स्ट्रगल है, आप कर रही है, तो उस चीज़ की वजह से, लुक एट दिस, यहाँ पर एक ड्रिंक की बॉटल भी दिखाई दे रही है, जूता वगैरह खोला हुआ है, जैसे पूरी सिचुएशन स्कैटर्ड है, पूरा घर जैसे पेंट भी नहीं किया हुआ है, टूटी फूटी वॉल दिखाई दे रही है। तो ये आपका जीवन है, टूटी फूटी वॉल, जैसे मरम्मत नहीं हो रही है, वो चीज़ें पेंटिंग नहीं हो रही है, आप उसको पेंट नहीं कर रहे हैं, उसको एकदम टूटी फूटी टाइप का एक सिचुएशन, एंड आपको लग रहा है और आ जाएगा देन मैं शायद कुछ करूँगी, और मनी आ जाएगा देन मैं नेक्स्ट स्टेप उठाऊँगी, ऐसा होता नहीं है। लाइफ में कुछ भी इस तरह से प्लान्ड वे में नहीं होते हैं, अनप्लान एक्सीडेंटली होते हैं, एंड वही सबसे ब्यूटीफुल है। ग्रुप नंबर टू आपके लिए, यहाँ पर जो मेन मैसेज आ रही है, वाओ, मुझे ना इस कार्ड को देखकर ऐसा लगा कि गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली में कृष्ण ने उठा ली थी, एंड एग्जैक्टली यहाँ पर वो उंगली तो दिखाई नहीं दे रही है, बट इस एस ऑफ पेंटिकल्स एंड हियर द थ्री ऑफ शॉर्ट्स, आपको यहाँ पर मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल रही है। ओके, जैसे इस थ्री ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में एक हार्ट ब्रेक होती है, बट एस ऑफ पेंटिकल्स उसको मोहर लगा रही है, जैसे पूरी एक कोई काम निपटा कर आप आई है, या फिर एक जॉब छोड़कर दूसरी कोई जॉब ज्वाइन करना हो सकता है, एक जगह को छोड़कर दूसरी किसी जगह पर जाना, ट्रांसफ़र वगैरह इस टाइम फ्रेम में हो सकती है। ओके, ग्रुप नंबर टू, एस ऑफ पेंटिकल्स आना ही बहुत बड़ा सद्भाग्य है, एस ऑफ पेंटिकल्स जैकपॉट है। लुक दिस पिरामिड हियर, पूरी पिरामिड उसके सर पे है, छाया दिखाई दे रही है, शेल्टर प्रोवाइड कर रही है उसको। तो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, एक शेल्टर प्रोवाइड करना, एक हाथ हो सकती है अथॉरिटी का, ब्लेसिंग्स, या फिर मान लीजिए उनका यू नो अप्रिशिएशन, कम्प्लीमेंट आपको मिला जो मिलता नहीं था, आपने बहुत बड़ा कुछ आप कर रखी है जिसकी वजह से मिल रही है। एंड मनी रिगार्डिंग इशू भी थोड़ी रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रही है। ओके, आपकी हेल्थ की अगर बात करें, दिस इज़ थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एनर्जी बहुत अच्छी है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का मतलब आप किसी चीज़ को शुरू कर रही है, आप व्यायाम शुरू कर रही है, आप एक्सरसाइज शुरू कर रही है, आप वेज ले रही है, या फिर उस खाने में डाइट चार्ट में कार्ड चार्ट कर रही है, ये फिल्ट्रेशन की एनर्जी आ रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी ओवरऑल ठीक है हेल्थ रिगार्डिंग। स्पिरिचुअलिटी की बात करें, टेम्परेंस, ये तो है ही कार्ड स्पिरिचुअलिटी का, नाइन्थ हाउस का एनर्जी है, धर्म का भाव है टेम्परेंस। इस मंथ में शायद टेम्परेंस आने का मतलब है। एंड लुक दिस, यहाँ पर एक छोटा सा कोई बच्चा दिखाई दे रहा है जो एंजल को कॉल कर रही है, तो मैनिफेस्टेशन, आपकी मैनिफेस्टेशन, कोई व्रत यहाँ पर हो सकती है, संकल्प करना, कोई बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कोई जगह आप विजिट करेंगे, इस मंथ में वो पॉसिबल होगी, वो टिकट भी बुक हो जाएगा आपका। ओके, वो मिल जाएंगे आपको जो नहीं मिल रही थी आपको। देखते हैं आपकी लव लाइफ, ग्रुप नंबर टू, ओवरऑल लव लाइफ देखते हैं, देन सिंगल के लिए देखेंगे। ग्रुप नंबर टू, मंथ अक्टूबर, लव लाइफ, मंथ अक्टूबर, लव लाइफ, फन टाइम मोमेंट, देखते हैं ओवरऑल लव लाइफ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, द सीन, वाह, कोई सोया हुआ है जैसे, अवेकनिंग, ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, आपकी लव लाइफ मूव करने जा रही है, एक नई चैप्टर की ओर आपकी लव लाइफ जा रही है। देखिए, सेवन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है, सेवन ऑफ शॉर्ट्स में थोड़ी स्नीकी बिहेवियर दिखने को मिलती है, थोड़ी मैनिपुलेशन दिखने को मिलती है, मार्क्स की एनर्जी होती है, दिस इज द कार्ड ऑफ अवेकनिंग, कोई पर्सन रियलाइज कर रही है एक इस मतलब इस, एंड लुक दिस क्यूपिड एरो हियर, अवेकनिंग, इट्स अ जजमेंट कार्ड, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट कॉल इस मंथ में, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ पैशन, रिलेशनशिप, मैरिज, किंग ऑफ वॉन्ड्स एक पर्टिकुलरली एक लव की एनर्जी होती है, लव कम अरेंज मैरिज के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स परफेक्ट होती है, बिकॉज ये आगे बढ़कर ये कोई संबंध लेकर जाते हैं, या फिर आगे बढ़कर प्रपोजल देना, किंग ऑफ वॉन्ड्स में वो एनर्जी देखने को मिलती है, एंड स्टेबिलिटी के साथ जहाँ पर कमिटमेंट होगी। देखिए, अवेकनिंग इज अ जजमेंट कार्ड विद दिस एट ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल करता हुआ कोई आ रही है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में है, यहाँ पर जैसे कोई चीज़ें है थमसा गई है, पॉज्ड है, अवेकनिंग एंड सेवन ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर भी कोई सो रही है, यहाँ पर भी कोई सो रही, कोई जगा रही है जैसे, सो सडन कॉल, सडन कम्युनिकेशन, सडन मैसेज, सडन इंटरेक्शन यहाँ पर होगी विद दिस एट ऑफ वॉन्ड्स, जो चीज़ें पॉज्ड थी लव लाइफ में अब मूव करता हुआ एनर्जी आ रही, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। देखते हैं सिंगल के लिए क्या एनर्जी आ रही है, ग्रुप नंबर टू, सिंगल, लव लाइफ में, मंथ अक्टूबर, वन टाइम मूव, सिंगल, रेडी टू मिंगल, लेट्स सी,
ओके वाओ यहाँ पर बाय द वे सिंगल के लिए यहाँ पर जो कार्ड है टेम्पटेशन एंड विद द सेवन ऑफ कॉइन सो एक मैसेज आ रही है सिंगल बेसब्र से किसी चीज़ का वेट कर रही है ओके टेम्पटेशन आई है अट्रैक्शन की बात हो रही है एंड लुक एट दिस हैंग्ड मैन एनर्जी जैसे यहाँ पर बहुत सारे सेक्रीफाइस है सिंगल बहुत पास्ट में पास्ट कुछ इशू क्रिएट हुई थी आपकी लाइफ में आपने सेक्रीफाइस की या फिर उस पर्सन ने सेक्रीफाइस करा बट आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन अगर आप कंप्लीटली सिंगल भी है थ्री ऑफ स्टेप्स समवन इज कमिंग टुवर्ड्स यू एंड सेवन ऑफ कॉइन जिस चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रही है थ्री ऑफ स्टेप्स लाइक लुक यहाँ पर बातचीत हो रही है दो पर्सन के बीच एंड दिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेम्पटेशन का एनर्जी सब नहीं है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन यहाँ पर दिखाई दे रही है सेवन ऑफ कॉइन्स एंड थ्री ऑफ स्टेप्स यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रही है एंड यहाँ पर एक मैसेज आ रही है बिकॉज दिस अ डेविल कार्ड एंड डेविल ऑब्सेशन की बात कहते हैं स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट एंड अट्रैक्शन की बात कहते हैं यहाँ पर भी एडिक्शन ऑब्सेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर सिंगल यहाँ पर आपके पति हो सकते हैं कोई बहुत ऑब्सेस्ड है या फिर एक बहुत ही पजेसिव है एक ऐसी कनेक्शन यहाँ पर दिखा बट आप शायद बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है उस चीज़ को लेकर थ्री ऑफ स्टेप्स एनर्जी शायद आप दोनों के बीच जियोग्राफिकल डिस्टेंस है आप रिलेशनशिप में नहीं है उस तरह से सेवन ऑफ कॉइंस आप दोनों ही बट एनर्जी इज लाइक म्यूचुअल आप दोनों की एनर्जी या दिस अ डिज़ायर एनर्जी इज म्यूचुअल आई ऑलरेडी टोल्ड यू आप दोनों की एनर्जी म्यूचुअल है दिस लाइक चैरियट यू नो एक दूसरे से मिलेंगे एंड एक रिकॉन्सिलेशन की ओर एनर्जी जा रही है एक दूसरे को फीलिंग एक्सप्रेस करना दिस काइंड ऑफ स्टफ ओके लेट मी चेक थोड़े देखते हैं गाइडेंस इस सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मैं जानती हूँ मंथली रीडिंग में लव का पोर्शन जो होती है बहुत कुछ व्यूअर्स के लिए वही इम्पोर्टेंट है ओके देखते हैं गाइडेंस देन मैं चार्म्स देखूँगी फर्स्ट एक्ट रदर देन वेट बोल बच्चन भारी काम काज में अनाड़ी Act rather than wait. Think about something that you have been waiting for. Are you waiting for someone to come into your life for the perfect job or salary? All your prayers to be answered without having to do anything to help them alone. What does waiting do to your stress level? Your goal to recognize that waiting rather than thinking, rather than taking action is stressful and unproductive. Mudda baat jo hai, group number 2, ki kisi cheez ke liye action uthao. Socho mat bahut zyada. Jo karne ko hai, wo aaj karo. जो कल करना है वो आज करो जो आज है वो अभी करो सो इसीलिए मैं बोल रही थी कि बोल बच्चन भाड़ी नहीं मतलब आप कुछ ऐसे जैसे मंगल जिनकी लगन में होती है बहुत एक्शन ओरिएंटेड होते हैं ओके देखते हैं थैंक यू अक्टूबर स्टैग्नेंट एनर्जी ओके ओ दिस इज एमेथिस्ट क्रिस्टल हियर एमेथिस्ट आ गई एमेथिस्ट एक्चुअल में आपकी इंट्यूशन की बात करते हैं आपकी क्राउन चक्र डाउनलोड्स किसी चीज़ को इंट्यूटिवली करना जैसे यहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ के साथ एक्शन की एनर्जी आ रही है ओके दो रून सिंबल आई है दिस इज ए ईशा जो एक स्टैग्नेंट जैसे कोई रेड सिग्नल में लंबी टाइम से खड़े हैं ग्रीन सिग्नल की वेट कर रहा है एंड दिस इज़ अ केनच हियर केनच मीन्स टॉर्च लाइट जैसे कोई डार्क टनल में फंसा हुआ है ग्रुप नंबर 2 इस मंथ में आप उस डार्क टनल से बाहर आ रही है किसी की मदद से क्योंकि टॉर्च लाइट है कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस कोई मेंटर कोई गुरु कोई एल्डर क्योंकि ये जो रून सिंबल है ये आने का मतलब है इस रेड सिग्नल से आपको एक दूसरा वे निकल कर आ रही है सो दैट आप डेस्टिनेशन तक पहुँचें ओके ओम ओम का जाप ओम महादेव लॉर्ड शिवा कनेक्ट हो रही है यहाँ पर एंड नंबर 10 या दिस इज 10 साइकिल कंप्लीशन सो अक्टूबर मंथ नंबर 10 ही है एंड ओके दिस इज बाय द वे ये सन है सन एम्ब्लेम घर में लगाना बट सन आने का मतलब है सनराइज ईस्ट समथिंग विल बी हैपन पॉजिटिवली ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक बच्चे की एनर्जी आती है ना सन लियो की एनर्जी में होती है ओके यहाँ पर सैटर्न आई हुई है कर्मा सन सैटर्न पिता पुत्र आई हुई है मतलब कुछ कर्मा यहाँ पर रिवॉर्डेड होगी बिकॉज सन सैटर्न एक साथ में आने का मतलब है अथॉरिटी आना इसीलिए मैं बोल रही थी ना कि एक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट
एंड दिस इज बेस चक्र की एनर्जी है। बेस चक्र जब आपके एक्टिव होते हैं, आप कॉन्फिडेंट होते हैं, बोल्ड होते हैं, करेजियस होते हैं। लुक दिस हॉर्स पावर हियर, ये अच्छी बात है। ग्रुप नंबर टू आपके लिए हॉर्स पावर की एनर्जी है। सो मूवमेंट की एनर्जी है, एनर्जी इज गेनिंग मूवमेंट, ट्रैवल इज इंपॉर्टेंट हेयर इस मंथ में। नंबर टू, टू ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, रिकॉन्सिलेशन एंड कप आइसक्रीम आ रही है। देखिए आइसक्रीम आने का मतलब है अगेन चाइल्डहुड पीरियड की ऊन सील होना, कुछ ट्रॉमा, कुछ एंग्जाइटी, फियर एंड एक घंटी है, बेल, अनाउंसमेंट, सेक्रेट सेरेमनी। ओके, स्टार की एनर्जी आई हुई है, स्टार ये प्रोटेक्शन की भी एनर्जी है, पेंटाग्राम की एनर्जी है, 5 पॉइंट स्टार, मतलब आपकी, आप जब लीप ऑफ फेथ के साथ एक्शन ले रही है, आपकी एनर्जी, आपकी मतलब आप जहाँ पर भी जाए प्रोटेक्शन विल बी देयर फॉर यू। एंड स्टार की एनर्जी आ रही है, मतलब कुछ चमक, शाइन करने की एनर्जी, बिकॉज स्टार ब्लेसिंग्स भी, फर्स्ट कार्ड आपकी स्टार ब्लेसिंग्स आई थी। एंड सन भी आई हुई है, कर्मा आई है, सैटर्न आई हुई है। तो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट कोई पेटेड इवेंट होने जा रही है मंथ अक्टूबर में। एंड दिस इज़, लुक दिस इज सील हियर, ये माइकल का सील है, प्रोटेक्शन, रक्षा कवच हम जिसको कहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट, ये आप महसूस करेंगे। देखिए प्रोटेक्शन है, ऐसा बोला जाता है, यू एंड योर लव वंस आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड बाई योर स्पिरिट गाइड, कनेक्शन इज़ प्रोटेक्टेड बाई योर स्पिरिट गाइड, बट ये सील्ड है, प्रोटेक्शन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है आपके लिए प्रोटेक्शन, ग्रुप नंबर टू। थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर थ्री, मंथ अक्टूबर ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आपके डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है एंड आपने डलमिशियन एक को चूज की है। ओके, नेस्ट की एनर्जी, फॉर्मिंग ए नेस्ट, फैमिली के कोई मेम्बर, फैमिली फॉर्म करना, इम्पॉर्टेंट कोई इवेंट फैमिली में। ओके, देखते हैं, नेस्ट फॉर्म करना बेसिकली, देखते हैं ग्रुप नंबर थ्री मंथ अक्टूबर। एंड में चार्म्स भी देखेंगे, लव लाइफ के लिए देखेंगे, रून सिंबल देखेंगे। ग्रुप नंबर थ्री फर्स्ट कार्ड है आपके लिए प्रोटेक्शन, बट ये वर्ड लिखी है प्रोटेक्शन, इस कार्ड में एक स्टोरी है। ये गॉडेस मठ के साथ भी कनेक्ट करते हैं, बर्थ एंड रीबर्थ। जो टैरो में जो डेथ कार्ड आते हैं, स्कॉर्पियो, जुपिटर स्कॉर्पियो, वेनस स्कॉर्पियो, मतलब स्कॉर्पियो एक्टिवेशन, आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट कोई इवेंट होगा। यहाँ पर गॉडेस जो है डेड बॉडी को सेफली, जैसे होता ना कि हेवन तक लेकर जा रही, जो यहाँ पर स्टोरी है, डेड बॉडी को सेफली हेवन तक लेकर जा रही है ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, मतलब आत्मा जो है वो सही जगह पर पहुँचे, या फिर जिस भी नरक हो, हेल हो, हेवन हो, वो सेफली पहुँचा रही है उस जगह को, जगह तक। सो प्रोटेक्शन, इसलिए मतलब आपके जीवन में एक रिबर्थ होने जा रही है ग्रुप नंबर थ्री, बिकॉज ये एट्थ हाउस की एनर्जी है, सीक्रेट्स आ रही है, कुछ चीज़ें हैं जो सीक्रेट अपीयर हो सकता है, कोई चीज़ें हैं जो बहुत लंबी टाइम से कोई नहीं जानता था, आप उस चीज़ को बहुत धीरे धीरे मुकाम तक लेकर जा रही है, कोई गोल अब धीरे धीरे उस पर काम कर रही है। एंड ये अब ब्लूजूम होने के समय आई है। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर थ्री सैक्रेट सेरेमनी, में ही बोल रही थी, कोई हिस्टोरिकल मोनूमेंट, हिस्टोरिकल प्लेस विजिट हो सकती है एंड सैक्रेट सेरेमनी, मतलब इम्पॉर्टेंट कोई पूजा पाठ यहाँ पर हो सकती है, गैदरिंग्स हो सकती है, बट वेरी सैक्रेट हियर। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर थ्री, टी लिप से कुछ स्ट्रेट मैसेज, ग्रुप नंबर थ्री मंथ अक्टूबर। थैंक यू सो मच, ग्रुप नंबर थ्री स्ट्रेट मैसेजेस फॉर अक्टूबर। ओके, अक्टूबर ग्रुप नंबर थ्री, ओके ओके, थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक में है ऑब्स्टकल टू ओवरकम, किसी ऑब्स्टकल से बाहर जा रही है आप, देखते हैं ग्रुप नंबर थ्री मंथ अक्टूबर। थैंक यू, मंथ अक्टूबर, वन टाइम मूव। ओके, मेरी गोद में कार्ड आई, मैं दिखाती हूँ, एंड वन मोर स्पिरिट, नो कार्ड हियर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है टेकिंग ए वैकेशन फिजिकली और मेंटली, कुछ ट्रैवल वगैरह होगा। ओके, फर्स्ट यहाँ पर ट्रैवल, टेकिंग ए वैकेशन फिजिकली और मेंटली, मतलब कुछ घूमने फिरने की यहाँ पर एनर्जी आ रही है।
ओके देखते हैं। ओके आप कुछ करेंगे जहाँ पर इस मंथ में कुछ लोग, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने ज्वेलरी खरीदी है या फिर आप बहुत कुछ अलग सी ड्रेसअप की है इस मंथ में, पीपल विल बी वेरी जेलस, एनिमीज आर वर्किंग बैट, कुछ कर नहीं पाएंगे बिकॉज प्रोटेक्शन आपकी फर्स्ट कार्ड है। बट आप ना मतलब होता ना कि उनकी आव भाव से आप समझ जाते कि पर्सन कितना मतलब सामने मतलब फेस टू फेस ही वो दिख रही है कि कितनी जेलस है वो पर्सन। ओके नेक्स्ट विद दिस ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, आप खिलते हुए दिख, मतलब आपकी होठों में मुझे वो स्माइल दिखाई दे रही है एंड शायद ये भी बहुत बड़ी जेलस के कारण हो जाते हैं सामने वाले के लिए। सील की एनर्जी आ रही, मैं बोल रही थी ना कि आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड है एंड यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, जहाँ पर आपको ज़रूरत है जवाब देना, डिपेंड करना अपनी एनर्जी को, अपनी स्टैंड, अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूर लीजिए ग्रुप नंबर 3 एंड वो एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है आपके लिए। लुक एट दिस इज गुड लक हॉर्स शू, यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आई है, अबंडेंस आई है, यहाँ पर गुड लक आई है आपके लिए। ओके गेट रेडी फॉर दिस एंड बी केयरफुल। ओके यहाँ पर क्लॉ की एनर्जी आ रही है, बैट की एनर्जी आ रही है, जिस जगह पर आपको थोड़ा सा भी शक हो रही है उस जगह पर आप सतर्क हो जाइए, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है वो व्यक्ति मुझसे ये क्यों मांग रहा है, वो व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको उस जगह पर सतर्क होना है। बी केयरफुल बिकॉज जैसे शिकारी है आसपास क्लो जो हार्म करने की कोशिश कर रहा है, बट अगेन मैं बता रही हूँ प्रोटेक्शन विल बी देयर फॉर यू, सो उसको लेकर चिंता ना करें। सेप्टेम्बर एंड दिसंबर दो मंथ आई है, देखिए सेप्टेम्बर तो चला गया, रीडिंग हो रही है अक्टूबर की, दिसंबर आई है, इसका मतलब अक्टूबर में कोई ऐसा इवेंट है जो सेप्टेम्बर एंड दिसंबर को कनेक्ट करता है, या फिर सेप्टेम्बर में आपने मिली है, सेप्टेम्बर में बातचीत हुई है, वो दिसंबर में जाकर उसको रिजल्ट मिले, अक्टूबर में भी शायद बीच में कुछ चीज़ें होगा, कुछ इवेंट वगैरह क्रिएट हो सकती है। जस्ट फॉर एग्जांपल किसी का एंगेजमेंट हुआ, दिसंबर में जाकर मैरिज हो रही है, सेप्टेम्बर में बातचीत वगैरह हुई है, इस टाइप से चीज़ें यहाँ पर जोड़ता हुआ दिखाई दे रही है। वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस, कोई रोक नहीं सकता इसको माय डियर। लुक एट दिस, यू विल बी टेकन केयर इन डिफिकल्ट टाइम्स, यू विल बी गाइडेड, यू विल बी शोन द राइट वे स्टेप, मतलब ये जो कार्ड, ये जो एनर्जी है ये प्रोटेक्शन का है। वट एवर यू विल गो, आप जहाँ पर भी जाए प्रोटेक्शन विल बी देयर फॉर यू, यू आर ऑलवेज गाइडेड एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड ग्रुप नंबर 3। दिस इज़ द शॉर्ट जर्नी हियर, शॉर्ट जर्नी, यहाँ पर भी वैकेशन फिजिकली मेंटली एनर्जी आ रही थी एंड वैकेशन टू ट्रेवल की एनर्जी भी प्रोमिनेंट आई है। देखते हैं ग्रुप नंबर 3 क्या एनर्जी है अक्टूबर में। अपनी चीज़ों को संभाल कर रखें, अगर कोई एक्सपेंसिव चीज़ आप कैरी करी है चीज़ों को संभाल कर कैरी करें। ग्रुप नंबर 3 यू लुक, योर लुक्स, योर बॉडी, यू नो ड्रेसअप करने की तरीका कुछ बहुत एक्सपेंसिव मुझे नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 3 एंड ये बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे कि यू हैव यू नो मच, आपके पास बहुत कुछ होगा, मतलब चोरी चपेट किया जा सकता है यू नो, तो इस टाइप की चीज़ों से बचें, मुझे थोड़ी उसकी वाइब्स आ रही है ग्रुप नंबर 3। भीड़ भाड़ की जगह पर आपको थोड़ी केयरफुल होना है ग्रुप नंबर 3, मैं पिक पॉकेट की ही बात कर रही हूँ यहाँ पर। ओके ग्रुप नंबर 3 बॉटम ऑफ द डेक, थैंक यू, ओ माई गॉड। ओके आपके लिए मेन एनर्जी में है क्लैरिटी, एक सिद्धांत पर आना, जब एक क्लैरिटी मिले, कोई बता रही है फाइनल कंक्लूशन, क्लैरिटी आने का मतलब है किसी चीज़ में आप उलझे हुई है उस जगह पर क्लैरिटी, बिकॉज 8th हाउस की एनर्जी अनसर्टनिटी, डेथ और रिबर्थ, अगर ख़त्म हो जाएगा या फिर नहीं से शुरू होगा, यहाँ इस जगह पर क्लैरिटी यहाँ पर आ रही है बिकॉज आप विश्वास रखे हैं। देखिए दो दोस्त यहाँ पर दिखाई दे रही है जो एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं, सो फेथ एंड ट्रस्ट की एनर्जी आ रही है, साथ में हैप्पीनेस रिकॉन्सिलेशन। सो अगर सच में पास्ट कोई इशू दो दोस्त के बीच, दो पर्सन के बीच क्रिएट हुई है ग्रुप नंबर 3, सो डेफिनेटली जगह पर देखिए दोनों ही जैसे खुशी से झूम रही है, जैसे सब ठीक हो गया है। ओके देखते हैं थैंक यू ग्रुप नंबर 3। ओके
नंबर 3 मंथ अक्टूबर फंटर मून ओके देखते हैं ओके बॉटम ऑफ द डेक में है एंशियंट विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग मतलब कुछ रिचुअल्स कुछ सैक्रेड रिचुअल्स रेमेडीज अब भी फॉलो करेंगे आप पढ़ेंगे एंशियंट अपनी वेद वेदांत हो अपनी कुरान बाइबल किसी भी धर्म ग्रंथ से जुड़ी हुई हो आप हैं उस मतलब उस रूट्स को समझना ओके थैंक यू माइकल इज प्रेजेंट हियर ओके देखते हैं आपके लिए और भी मैसेज यहाँ पर आई हुई है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क दिखाई दे रही है जैसे ओवर वर्कड की एनर्जी है नंबर 13 एंड सेल्फ डाउट एंड विद दिस माइकल हियर स्ट्रेंथ शायद लंबे टाइम से काम को काम किए जा रही है थोड़ी वो शॉर्ट डिस्टेंस टूर ट्रेवल आप नहीं कर पा रहे थे थोड़ी वो थकान से एग्जॉस्टेड एनर्जी से मुक्ति लिबरेशन आपकी खुद की एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट थे देखिए एंसेस्टर मदद कर रही है कि खुद को देखो तुम में सब है तुम परफेक्ट हो किसी चीज़ को लेकर फीलिंग ऑफ इनएडिक्यूसी जैसे सफिशियंट नहीं है आपके पास एंड माइकल प्रेजेंट हियर मतलब प्रोटेक्शन की एनर्जी है जो चीज़ तुम्हें लग रही है थोड़ी सी भी शक कर रही है लेट गो दिस एनर्जी उसको लेकर काम करने की जरूरत नहीं तुम्हें क्योंकि तुम्हारे पास इंट्यूशन है अंदर से एक आवाज़ आता है माइकल तो होती है प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रेंथ के लिए करेज के लिए बिकॉज ये वॉरियर एनर्जी है नेक्स्ट विद दिस माइकल हैनियल जॉय ग्रैटिट्यूड एंड इंट्यूशन मैं इसकी ही बात बोल रही थी इलनेस एंड इंजूरी एंड विद दिस गैब्रियल हियर कम्युनिकेशन ऑल काइंड इस मंथ में आपको थोड़ी अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है आप किसी जगह पर शॉर्ट डिस्टेंस टूर ट्रेवल जा रही है थोड़ी ट्रैवल जार बनाकर लेकर जाइए कोई चार्म आप कैरी कीजिए ओके उस ट्रैवल प्रोटेक्शन जार आप बनाकर लेकर जा सकते हैं ये आपके लिए पॉजिटिव होगी पर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है फिजिकल हेल्थ पर थोड़ी आपको ध्यान देना ज़रूरी है इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आने जा रही है आप बहुत खुश होंगे बट थोड़ी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही है इंजुरी थोड़ी जैसे वायरस से अफेक्ट होना या फिर थोड़ी शॉर्ट टर्म में इलनेस की एक एनर्जी आ रही है फिजिकल इशू ओके देखते हैं करियर वर्क एंड हेल्थ स्पिरिचुअलिटी करियर वर्क हेल्थ स्पिरिचुअलिटी बुक नंबर 3 मंथ अक्टूबर वन टाइम मूव सील्ड आई है माइकल आई है प्रोटेक्शन कार्ड आई है ओके करियर वर्क हेल्थ स्पिरिचुअलिटी बॉटम ऑफ द डेक में है सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पर एक पास्ट एनर्जी दिखाई दे रही है जैसे कोई भाग कर चले जा रही है तो पास्ट इज़ रिटर्निंग मंथ अक्टूबर में पास्ट कोई इशू हो सकते हैं यहाँ पर रिजॉल्व होगी आपकी इनर चाइल्डहुड पीरियड के कुछ ट्रॉमा हो इस जगह पर काम चलेंगे एंसेस्टर रूट पर जाना उसके घर पर जाना जैसे आपके ग्रैंड फादर के घर में अब जा रही है फादर के घर में अब जा रही है इस टाइप की सिचुएशन थोड़ी होम कमिंग एनर्जी भी है यहाँ पर अगर बात करें आपकी कैरियर वर्क फील्ड को लेकर तो कैरियर वर्क फील्ड में जैसे एक व्यक्ति बहुत स्टबर्न है कैरियर वर्क फील्ड में जो मान नहीं रहा अनविलिंग टू चेंज जो अपनी बातों पे अड़े हुए हैं बिकॉज टू ऑफ कप्स की एनर्जी भी देखिए 2% फेस उल्टी दिशा में है एंड दिस इज द फाइव ऑफ वॉन्ड्स कैरियर वर्क फील्ड में मुझे थोड़ी एक सिचुएशन नज़र आ रही है आप काम कर रही है आपको आप सक्सेसफुल हो रही है बट बहुत सारे जेलस आइज की वजह से जैसे आपके ऊपर ओवरलोड दिया जा रही है कि ठीक है तुम तो बहुत अच्छे काम कर रहे हो तो एफआईआर भी देख लो तो इस टाइप की एक सिचुएशन मतलब आपकी विक्ट्री को कोई गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है एंड आप कुछ बोल नहीं पा रहे जैसे तो थोड़ी यहाँ पर ओवरबर्डन की एनर्जी आ रही है थोड़ी कैवस की एनर्जी भी इस मंथ में थोड़ी दिखाई दे रही है अगर आपकी ओ दिस इज़ योर हेल्थ दिस इज़ फाइव ऑफ शॉर्ट्स मैं अगेन देखिए फाइव ऑफ शॉर्ट्स में ना बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं मैं आपको बोलते ना पिक पॉकेट यहाँ पर भीड़ भाड़ की एरिया में अपने सामान को थोड़ी मतलब सेफ रखें फाइव ऑफ शॉर्ट्स मेंटल ट्रॉमा डिप्रेशन की भी बात होती है फाइव ऑफ शॉर्ट्स एरोगेंसी है बिकॉज समवन इज़ वेरी स्टबर्न अनविलिंग टू चेंज एंड उसकी इस बिहेवियर को देखकर आपको ट्रॉमा हो रही है डिप्रेशन हो रही है तो यहाँ पर मैं आपको अगेन एक बात बताऊँगी आपको सेल्फ डाउट हो रही है इस घटना की वजह से तो मेक श्योर माई डियर अपनी मेंटल हेल्थ का खास ख्याल रखें बॉडी में यर एलिमेंट का बैलेंस रखें शार्प चीज़ों से काम करेगी है तो सावधानी से करें
सार्थ कोई चीज़ों से लेकर आपकी स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें तो ट्रैवल तो यहाँ पर दिखाई दे रही है, कोई ट्रैवल करता हुआ कोई जगह पर आप जाएंगे जहाँ पर पिलग्रिमेज वगैरह यहाँ पर होगा, बिकॉज नाइट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है। जिस जगह पर जाने के बाद यहाँ पर कुछ लोग बहुत जजमेंटल है, मतलब आप कोई अपनी नॉन प्लेस में ही जा रहे, जस्ट फॉर एग्जांपल उस जगह के कुछ लोग हैं जो आपको लेकर बातचीत कर रहा है, गॉसिप कर रहा है, जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ग्रुप नंबर थे या थोड़ी इसकी थोड़ी मैसेज तो आ रही, बिकॉज शॉर्ट्स का एलिमेंट है एंड स्पिरिचुअलिटी पर नाइट ऑफ शॉर्ट्स का एनर्जी आ रही है। ट्रैवल इज़ गुड फॉर यू नो डाउट, बट प्रॉब्लम इज़ दैट उस जगह की कुछ लोग इतनी जजमेंटल है एंड जिसकी वजह से आपको लगेगा कि जितना जल्दी हो सके मैं चले जाऊँ इस जगह से। ओके, देखते हैं आपकी लव लाइफ, ओवरऑल लव लाइफ देखते हैं, देन सिंगल के लिए देखेंगे। ग्रुप नंबर 3 ओवरऑल लव लाइफ मंथ अक्टूबर में, ग्रुप नंबर 3 वन टाइम मून, ओके देखते हैं लव लाइफ। ओके वाओ, लुक एट दिस, दिस इज 10 ऑफ एरो, दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स। सो एक नई यात्रा की ओर लव लाइफ में जैसे एक नई स्टार्ट दिखाई दे रही है, जैसे रिलीज द ओल्ड एम्ब्रेस द न्यू वन। ओके, 10 ऑफ शॉर्ट्स मतलब बहुत बड़ी हादसा जो सच में आपके लिए एक टावर मोमेंट क्रिएट करा था, आप उस सिचुएशन से बाहर आ रही है। ग्रुप नंबर 3 दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स, लव लाइफ में एस ऑफ वॉन्ड्स आना, मैजिकल चेंजेस की बात हो रही है, प्रपोजल ऑफर की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर क्राउन के सिंबल भी दिया गया है एंड दिस इज कार्ड ऑफ एम्प्रेस, फर्टिलिटी बर्थ कंसेप्शन हियर एंड एम्प्रेस के साथ पीछे ना एम्परर भी दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कोई ऐसे हो सकते कुछ व्यूअर्स के लिए रिलेशनशिप आगे बढ़े, इंटीमेसी की एनर्जी आ रही है, बिकॉज ये बेबी बर्थ डिलीवरी दिखा रही है इस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, मतलब प्रेगनेंसी रिगार्डिंग यहाँ पर एनर्जी आ रही है। ओके, एंड सडन प्रेगनेंसी भी आ सकते हैं अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड है, सडन प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है एंड ओवरऑल आपकी लव लाइफ यहाँ पर बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। मैं सिंगल के लिए देखूंगी, यहाँ पर कोई आपको एम्प्रेस के रूप में देखते हैं, कोई जैसे आपको बुला नहीं पा रही है, दिस इज द 10 ऑफ सॉर्ड। ओके, देखते हैं जैसे पास्ट की इशू होने के बावजूद भी कोई आपको भूल नहीं पा रही है। ग्रुप नंबर 3 देखते आपको रिलीज़ नहीं कर पा रही है, बट आप किसी चीज़ को रिलीज़ कर चुके हैं। 10 ऑफ शॉर्ट्स विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, 1001 नंबर आपको इन दिनों शायद दिखाई दे या फिर मंथ अक्टूबर में। सिंगल लव लाइफ, सिंगल के लिए अक्टूबर में लव लाइफ फन टाइम मून। ओके वाओ, लुक एट दिस कार्ड, सिंगल के लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज ग्रुप नंबर 3 में ही आई है, बाकी किसी सेक्शन में इतना पॉजिटिव नहीं आई है। लुक एट दिस, दिस इज़ प्रिंस ऑफ स्टेट, दिस इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट एनर्जी की बात हो रही है, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ लव एंड दिस इज़ बैलेंस। सो रिकॉन्सिलेशन, लुक एट दिस, यहाँ पर यूनियन हो रही है, यू नो मतलब सिंगल के लिए तो यहाँ पर प्रपोजल दिखाई दे रही है, लव ऑफर दिखाई दे रही है एंड म्यूचुअल एनर्जी इज लाइक म्यूचुअल। अगर आप मतलब कोई अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है एंड दिस पर्सन इज सो पैशनेट, मतलब एक मतलब जैसे वो ऑब्सेशन है, ये जैसे प्रोटेक्टिव है आपको लेकर या फिर बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर, दिस इज़ लाइक यू आर द वन एंड ओनली, बिकॉज लव एंड बैलेंस कार्ड हेयर, यू आर लाइक वन एंड ओनली फॉर दिस पर्सन। ग्रुप नंबर 3 ओके, अगर आप सिंगल भी है यहाँ पर कोई आपको जैसे एक बार देखेगा तो दिस इज़ माई पर्सन, आईसीस की एनर्जी मौजूद है यहाँ, मैनिफेस्टेशन एंड दिस इज कार्ड ऑफ वेनस, वेनस मीन्स लव अट्रैक्शन चर्म। सो यहाँ पर सिंगल के लिए बहुत बहुत पॉजिटिव मैसेज है, मैं अगेन बता रही इतनी, एंड यहाँ पर एम्प्रेस भी मौजूद हैं, इतनी पॉजिटिव तो किसी पाल में नहीं आई है। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस, ग्रुप नंबर 3 वन टाइम मून मंथ अक्टूबर के लिए गाइडेंस। फर्स्ट, रिक्लेम योर पावर। ओके, नोट वन रीजन व्हाई यू गिव अवे पावर इन योर एवरीडे लाइफ एंड देन आस्क योरसेल्फ इफ दैट सिचुएशन इज वर्थ लूजिंग योर पीस ऑफ माइंड ओवर, योर गोल टू रिक्लेम योर पावर इन ए पॉजिटिव एंड माइंडफुल वे। मतलब आप हमेशा ही एनर्जी देते रहते हैं, सबकी मदद कर रही है, लोग कुछ बता रही है, उस एनर्जी को आप शो कर रही है, अब्जॉर्व कर रही है, आपको ट्रॉमा हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, रिक्लेम योर पावर। आपको तो बोलना चाहिए एवरीडे कि जहाँ पर भी मेरी एनर्जी चली गई वो पॉजिटिव एनर्जी को मैं रिक्लेम करती हूँ,
रिक्लेम योर पावर. ओके, देखते हैं क्या चांस है आपके लिए. स्लिप नंबर थ्री के लिए क्या चांस है. थैंक यू. ओके, देखते हैं कुछ चीज़ें हैं जो स्टैग्नेंट दिखाई दे रही. ईशा रून सिंबल यहाँ पर, मतलब रेड सिग्नल पे कोई खड़े हैं, जैसे मूव नहीं कर पा रही है सिचुएशन. ओ माय गुडनेस, एंड एग्जैक्टली यही दो रून सिंबल शायद ग्रुप टू पे आई थी. आई डोंट नो ग्रुप टू एंड थ्री कनेक्टेड. मतलब कोई रेड सिग्नल में खड़े है एंड ग्रीन सिग्नल हो जाएगा बिकॉज किसी की गाइडेंस, कोई पर्सन जैसे हाथ पकड़ कर कोई डार्क टनल से आपको बाहर लेकर जा रहा है. लाइक ए रेस्क्यूअर हियर बिकॉज इट्स अ केनज. ईशा के साथ केना जाने का मतलब है कोई डार्क टनल, डीप डार्क टनल में फंस चुका है. एक रोशनी आ रही है जो बाहर लेकर जा रहे उस टनल से. मंथ अक्टूबर में देखिए ये अटैचमेंट है. ओके, सेप्टेबिन जो है अटैचमेंट की बात बता रही. मैं बोल रही थी कोई अटैच्ड है बहुत ज़्यादा. आउल आई है जो क्लैरिटी की बात बोला जा रहा है, मतलब फाइनल कंक्लूशन क्लैरिटी. एंड देखिए यहाँ पर फोटो फ्रेम आई है, कोई आपकी फोटो फ्रेम देख रहा है. इंपॉर्टेंट इवेंट क्लिक करना, मूवमेंट को कैप्चर कर रखना. एंड आई डोंट नो बट मुझे थोड़ी लग रही फोटो शूटिंग वगैरह होगा या फिर जो क्या बोलते हैं आजकल प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग इस टाइप की कोई सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है. एंड दिस इज़ एक्चुअल में एक जो हर्मिट के हाथ में जो लंटन होते हैं ना, सो अगेन कोई रास्ता दिखा रही है. लाइक यू विल बी शोन द राइट वे. सोलर प्लेक्सस चक्र ओपन होता हुआ दिखाई दे रही है. कॉन्फिडेंस आना अपने आप को लेकर, अब जो भी ड्रेस पहन रहे उसको अच्छी तरह से कैरी कर पाना एंड अपने आप को वर्दी फील करना. रोज आई है, रोज आने का मतलब ही है यहाँ पर प्रपोजल, लव रिगार्डिंग. आपके लिए लव का बहुत बड़े ब्लेसिंग से ड्रैगन फ्लाई आई हुई है. इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. सीजन चेंज होने जा रही है आपकी लाइफ में. एंड दो क्लोवर आई है. लुक एट दिस, क्लोवर मीन्स लक एंड प्रॉस्पेरिटी. दो क्लोवर एक साथ में आई है. आई डोंट नो मतलब बहुत कुछ लकी इवेंट ग्रुप नंबर थ्री आपकी अक्टूबर मंथ में होने जा रही है. इस प्रोटेक्शन हियर. वट एवर द सिचुएशन, कुछ भी आसपास हो आपकी एनर्जी यहाँ पर प्रोटेक्टेड है. मुस्टैच की एनर्जी आ रही है जो गर्व प्राउड एनर्जी, मैस्कुलिन पावर की बात भी यहाँ पर हो रही है. विक्ट्री मोमेंट है ये. एंड दिस इज अगेन रोज हियर. क्या बात है, मतलब एक सिंबल एक चार्म टू टाइम्स आई हुई है. दो रोज, एक गोल्डन है एक कॉपर की जैसे कलर में आई हुई है. एक सन की एनर्जी है, एक गुरु का एनर्जी आ रही है दो रोज में. एक के लिए एक पर्सन सन डोमिनेंट है, दूसरे पर्सन गुरु डोमिनेंट है. ओके, एंड अगेन ये प्रोटेक्शन का है. ये भी एक प्रोटेक्शन का सिंबल है, मतलब आपके लिए बहुत प्रोटेक्शन का सिंबल आ रही है. एंड लुक दिस इज़ चिता, चिता का हेड आई है ये. चिता का हेड है ये. सो चिता हेड मतलब फास्ट एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम. जो चीज़ें बहुत टाइम से स्टैग्नेंट पॉज्ड हो चुकी है, अब चीज़ें स्लोली जैसे अब वो स्टार्ट होना शुरू होगी. आपके लिए एक नई वे आउट निकल कर आएंगे सो दैट आप डेस्टिनेशन तक पहुँचे. ग्रुप नंबर थ्री. थैंक यू सो मच. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.